Hello everyone, I am Krishna. This is lecture for the Hindu and Indian Express in 2 minutes. 2 minute prelims, 2 minute mains. These all are special courses by Synopsis, and this is prelims and mains classroom. If you wish, then you can join. 14th of Jan ko kya aaya hai current mein? Neon. It is a new artificial human. Dunia ka pehla artificial human hai. Ye Samsung ke Star Lab ne banaya. Is Star Lab ke jo head hai, he is Pranav Mistry, India bound scientist hai. Dekho, artificial human aur virtual assistant jo Alexa hote hai ya Google virtual assistant hai ya fir Samsung ka Bixby hai. To ye isse different kaise hai? Jo VA hai, ye learn karte hai use data entire internet लेके, जैसे Apple Siri को आप गालियां सिखा दोगे, मेरे एक दोस्त ने सिखा दी थी तो उसको बस गालियां आती थी और कुछ नहीं आता था. बट नियोन क्या है, ये पर्सनल इंटरेक्शन तक ही लिमिटेड रहने वाला है. पर्सनल फ्रेंड मतलब आपके एक दोस्त की तरह काम करेगा. तो इसमें दो टेक्नोलॉजी यूज होंगी. दिस वन इज ऑलरेडी डेवलप्ड, ये वाली डेवलपमेंट फेज में है. कोर R3, दिस इज फॉर इंटेलिजेंस. ठीक है, ये आपकी इंटेलिजेंस है. IQ के लिए कोर R3 है और EQ इमोशनल इंटेलिजेंस के लिए स्पेक्ट्रा है. सो कोर R3 क्या है, ये कन्वर्ट करते हैं मैथमेटिकल मॉडल को एक्चुअल ह्यूमन की तरह. इसमें बिहेवियरल न्यूरल नेटवर्क आते हैं, इवोल्यूशनरी इंटेलिजेंस, कंप्यूटेशनल रियलिटी, और स्पेक्ट्रा इस कोर R3 को कॉम्प्लीमेंट करेगा. कोर I3 अगर आप जानते हो, दैट इज़ कंप्यूटर्स के लिए होता है, इंटेल वगैरह की चिप आप जानते हो ये बहुत अच्छे से. सो दिस इज कोर R3, तो इसमें कन्फ्यूजन मत. Then there is disclosure scheme by Civil Aviation Ministry. Voluntary disclose कर दो आप, जो अगर आपके पास कोई भी ऐसा UAV है जो non compliant है. DGCA के जो drone regulation है उसमें क्या है कि अगर आपने digital sky portal में register नहीं किया है तो no permission, no take off, आप take off नहीं कर पाओगे. ठीक है, आपके पास UIN unique identification number होना चाहिए, इसका भी आधार टाइप. ठीक है, और unmanned aircraft operator permit, मतलब ऐसे नहीं कि कोई भी उड़ा रहा है, आपके पास CA एक license होना चाहिए. Then HFHSD IN 512, HF मतलब हाई फ्लैश हाई स्पीड डीजल. तो ये नॉर्मली आपका नेवल एप्लीकेशन या फिशिंग वेसल्स के लिए यूज़ होता है. हाई टेक्निकल स्पेसिफिकेशन है, बेटर क्वालिटी और कार्बन फुटप्रिंट इसका कम है, और इंडियन नेवी ने इसको अडॉप्ट कर लिया, IOCL ने बना के दिया है. देन मुगलिका, बिहार का और यजन पिंडिका, महाविहारा, ये सब मीडियवल बुद्धिस्ट मोनार्की है. वेस्ट बंगाल में पाई गई हैं और ये 6th century CE की हैं. इसमें जो पता चला है कि मीडियवल एज की है. इंस्क्रिप्शंस मिले हैं संस्कृत में है. स्क्रिप्ट इसमें आपको ये नहीं रटना है कि इसमें कौन सी स्क्रिप्ट मिली, बस ये आपको पता होनी चाहिए. ब्राह्मी एक स्क्रिप्ट है और सिद्धार्थ मात्रा. ठीक है, तो ये दो स्क्रिप्ट है, ये पहले की है और ये बाद की है. तो इसकी जो स्क्रिप्ट है बीच की, तो आपको प्री के लिए ये फैक्ट याद रखना कि ये दो स्क्रिप्ट है, ये पहले की बाद की है. जुआनजांग और हुएनजांग, उसने इनके बारे में कुछ बात की थी, दोनों एक ही आदमी का नाम है, चाइनीज था. देन प्रिलिम्स कंटेम्प्रेरी कुछ आर्मी टैंक्स हैं, ET-90 भीष्म, T-72 अजय, MBT मेन बैटल टैंक अर्जुन, BMP-2 कैरियर व्हीकल, देन कैरियर मोटर, ये सारे आप रट सकते हो. ऑलरेडी आई हैव टॉट इन आर्मी वाले लेक्चर्स में. डिएगो एक ठरकी टाइप का टॉर्टोइज है. ठीक है, तो ये इसको जाइंट टॉर्टोइज भी कहते हैं या एस्पानोला जाइंट टॉर्टोइज कहते हैं. IUCN में क्रिटिकली इंडेंजर्ड था, तो इसकी ठरक इतनी थी कि इसकी जो सेक्स ट्राइब थी उसकी वजह से कैप्टिव ब्रीडिंग प्रोग्राम वो सक्सेसफुल हो गया. 15 बच्चे थे, लोगों ने खा डाले थे पूरे. अब ये 2000 हो गए. ठीक, ये वाला आइलैंड है, दैट इज़ इन गैलापागोस आइलैंड में. गैलापागोस में जो टॉर्टोइज होते थे, सीफेरर खा जाते थे, और फेरल गॉट ये बाहर से आ गई थी, इनवेजिव स्पीसीज, तो उनके साथ में उनके घास भी खा गई. ठीक, तो ये निपट गए सारे. डार्विन और थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन इसी आइलैंड पर स्टडी की गई थी, डेवलप की गई थी. कोआला या कोआल्स, दीज आर वल्नरेबल ऑस्ट्रेलियन बुश फायर की वजह से न्यूज़ में है. यूकेलिप्टस ट्री में रहते हैं नॉर्मली, और यूकेलिप्टस आपका वन ऑफ द मोस्ट फायर एडेप्टिव वेजिटेशन है दुनिया में. देन रायशियन डायलॉग इसका लगातार न्यूज़ में रहता है. इसकी जो थीम है, नेविगेटिंग द अल्फा सेंचुरी. अल्फा सेंचुरी क्या है, क्लोजेस्ट स्टार सिस्टम. अब मोदी जी का ये कुछ डायलॉग होगा, जाएंगे हम लोग मतलब अर्थ से 4.7 बिलियन ईयर्स एगो है, प्रकाश वर्ष दूर है, तो चलेंगे हम लोग. ठीक है, इस साल कोई भी सिटिंग हेड ऑफ गवर्नमेंट या स्टेट पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, मतलब नॉर्मल मिनिस्टर वगैरह आएंगे बट कोई हेड नहीं है, मोदी जी रहेंगे. MEA और ORF ये दो लोग करते हैं. दीपिका मैम ने ऑलरेडी पढ़ा दिया है. देन मेन्स एग्जामिनेशन के लिए जो रेयर डिजीज़ है उनको ट्रीट करने के लिए, दिक्कत क्या होती है कि रेयर डिजीज़ इतने कम लोगों को होती है कि जो भी आपके फार्मा कंपनीज हैं उनको प्रॉफिट नहीं होता है. ठीक है, तो एथिकल डिलेमा होता है उनके पास. तो हेल्थ मिनिस्ट्री ने कहा हम दूर करेंगे, क्राउड फंडिंग लेके आएंगे. ठीक, देन पुलिस कमिश्नर सिस्टम इन UP, योगी जी ने एक नया काम किया. IPS ऑफिसर को एडिशनल अथॉरिटी दे दी, मैजिस्ट्रियल पावर दे दी. ठीक है, अब IPS ही सब कुछ कर लेगा, DM की पावर को अंडरमाइन करता है ये. ठीक, लिखना हो तो कहीं लिख देना, अदरवाइज आई डोंट थिंक ये ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट है. इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स
टू थर्ड डोनेशन टॉप पार्टीज के इलेक्ट्रल बॉन्ड से आई है। अब इसको लेके बहुत ज़्यादा लोगों ने पिछले साल बवाल मचाया था, इट मीन्स इट इज़ सक्सेसफुल स्कीम। तो ऐसा नहीं है कि अगर अपोजिशन किसी चीज़ को लेके बवाल मचा रहा है तो खराब ही है, ठीक। मराड़ू बिल्डिंग डिमोलिशन केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि हम भाई तब तक मैटर को डिस्पोज नहीं करेंगे जब तक ये डिब्रीज रिमूव नहीं कर ले जाते। देन मलप्पुरम, ये आई थिंक केरला में है, दुनिया का फास्टेस्ट ग्रोइंग पॉपुलेशन के टर्म्स में सिटी है। रीज़न वाला, यहाँ के लोगों ने ज़्यादा पॉपुलेशन बच्चे पैदा करने नहीं शुरू किया, यहाँ पर न्यू एरिया इंक्लूड हो गए अर्बन एग्लोमरेशन की लिमिट में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। टाटा, बाय बाय, हैव अ गुड डे।